दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए जानने के लिए कुछ अमेजिंग स्लैशर मूवीज के बारे में। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्लैशर मूवीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि आज के हमारे इस काउंटडाउन में कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग स्लैशर मूवीज हैं जो कि कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 द डिनर पार्टी। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2020 में। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक सिंपल डिनर पार्टी से, लेकिन यह डिनर पार्टी किस तरह एक डेडलीस्ट पार्टी बन जाती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं टूबी ओरिजिनल पर। IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.3। नंबर 9 कॉन्फेशनल। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2019 में। मूवी की शुरुआत होती है अचानक से ही दो स्टूडेंट की बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, लेकिन अचानक से ही 7 साल बाद फिर से कुछ बच्चों को एक इनविटेशन आता है, जो इनविटेशन एक्चुअल में वही मुर्दा बच्चे भेज रहे होते हैं। लेकिन लास्ट तक इन सभी चीजों के पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है और ये सातों स्टूडेंट्स में से कौन कौन सर्वाइव करता है, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई ये कंप्लीट मूवी। मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेट का जुगाड़ इस मूवी को आपको फ्री में दिखा सकता है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 8 स्टे अलाइव। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2006 में। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसकी वीडियो गेम खेलते वक्त बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, लेकिन दूसरे ही तरफ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि अपने दोस्त के मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं और लास्ट तक ये मर्डर मिस्ट्री किस तरह सॉल्व की जाती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी फिलहाल हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Apple TV+ पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5। नंबर 7 ब्रो ऑयल। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्कूल से जहां पर एक बच्चे की बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, लेकिन अचानक से ही उसी स्कूल में एक स्लैशर एक्टिविटी भी चालू हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं और लास्ट तक इन सभी चीजों के पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं टूबी ओरिजिनल पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 6 वाइट शर्ट। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2021 में। मूवी की शुरुआत होती है एक फेमस नॉवलिस्ट से जो कि अपने बेटी के साथ अपने घर में रह रहा होता है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही एक स्ट्रेंजर की एंट्री होती है जिसकी वजह से वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और लास्ट तक वो उस ट्रैप से किस तरह बाहर निकलते हैं इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है यह कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं टूबी ओरिजिनल पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 5 डेथ रिंग। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2019 में। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे क्लब से जहां पर एक लड़की की नाइट शिफ्ट रहती है, लेकिन अचानक से ही उसका सामना कुछ खराब गतिविधियों से होता है और लास्ट तक उन सभी गतिविधियों से वो अपने आप को किस तरह सर्वाइव करती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं टूबी ओरिजिनल पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 4 डैडीज गर्ल। मूवी रिलीज की गई है 2018 में। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे पिता से जो कि लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें अपनी बेटी के सामने ही काटता और मारता है और यही बात वो अपनी बेटी को भी सिखाना चाहता है और लास्ट तक ये दोनों बाप बेटी कितने सारे मर्डर करते हैं ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं मूवी ओरिजिनल पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1। मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। नंबर 3 स्ट्रॉम वार्निंग। मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2007 में। मूवी की शुरुआत होती है रॉब और पिया से जो कि एक सुनसान घर में जाकर एंट्री कर लेते हैं, लेकिन अचानक से ही एंट्री करते ही उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं, यानी कि उस घर के ओनर उन्हें मार देना चाहते हैं और लास्ट तक रॉब और पिया उस घर से किस तरह बाहर निकलती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है यह कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Apple TV+ पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8।
नंबर टू यमी मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे हॉस्पिटल से जहां पर अचानक से ही सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आप को उस हॉस्पिटल से सर्वाइव करना चाहते हैं, और मूवी में देखने लायक यह है कि लास्ट तक उस हॉस्पिटल से कौन कौन सर्वाइव कर पाता है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं वुडू ओरिजिनल पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर वन द ह्यूमन सेंट्रीपीड पार्ट टू। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई है 2011 में। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे साइकोपैथ से जो कि इंसानों की एक सेंट्रीपीड बनाने की कोशिश कर रहा होता है, और असल में ये सेंट्रीपीड वो किस तरह बनाता है और लास्ट तक वो कितने सारे लोगों की कुर्बानी देता है, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे मूवी में दिखाई गई है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं टूबी ओरिजिनल पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1। मूवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से प्रेजेंट की गई है। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।